1998 के ब्लैक बक पोचिंग केस के मामले में जोधपुर सेशन कोर्ट ने सलमान, सैफ, सोनाली बेंद्रे और तबू को समन जारी करते हुए 4 फरवरी 2013 को पेश होने के आदेश दिए हैं। ईयर 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके को स्टार्स पर आरोप लगा था कि उन्होंने 2 ब्लैक बक्स का शिकार किया है और ये मामला लगभग पिछले 14 सालों से जोधपुर कोर्ट में चल रहा है। इस केस में सलमान खान पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। सेशन कोर्ट ने सलमान पर इस केस में वाइल्ड लाइफ एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सलमान ने राजस्थान हाई कोर्ट में रिव्यू वी पिटीशन फाइल करके इन चार्जेस से राहत पाने की कोशिश की थी। और अब खबर है कि सलमान को आर्म्स एक्ट के चार्जेस से तो राहत मिल गई है, लेकिन अभी भी उन पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत केस चलेगा। और लीगल एक्सपर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट ने अगर कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि सलमान वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत दोषी है तो उन्हें अच्छी खासी सजा हो सकती है। वैसे सलमान के अलावा उनके बाकी कोस्टार्स के लिए राहत की बात है, क्योंकि उनके खिलाफ लगे ज्यादातर चार्जेस को हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। अब 4 फरवरी 2013 को सारे आरोपी स्टार्स पर फिर से चार्जेस फाइल किए जाएंगे और इसी सिलसिले में इन चारों स्टार्स को जोधपुर सेशन कोर्ट पहुंचना होगा। इससे पहले 19 जून 2006 को इन सारे स्टार्स को जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सलमान के लीगल काउंसिल कौन सा स्टेप लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।